हाँ जी, तो राम राम सभी भाइयों को फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज अपन लेके आए कुबोटा, देखो पीछे चल रहा है, इसमें नोगा कल्टीमीटर है। तो आग तो लग गई है खेत में रात में, अब इसमें कल्टीमीटर फेर के फिर अपन मूंग की बोनी करते हैं। तो चलो करते हैं आज की वीडियो शुरू। दोनों लीवर नीचे रखने के बाद भी बस इतना ही गड़ रहा है, वो देखो लीवर दोनों नीचे रखे हैं, वो देखो इतना ही गड़ रहा है। नौका सात का होता तो शायद थोड़ा ज़्यादा गड़ जाता, लेकिन अभी हाई एक में चला रहा है क्योंकि कुलदीप शुरू शुरू चला रहा है, तो मतलब ऐसे हाई दो में मस्त चल रहा है बढ़िया। जी तो कुलदीप चला रहा था ट्रैक्टर, तो तब तक अपन आ गए हैं भूसा मशीन के पास। अब भूसा मशीन को और देख लेते हैं, ऐसे आज लास्ट डे है भूसा मशीन का, फिर उसके बाद नरवाई एंड अपने ही खेत में चल रही है, और फिर कल से मूंग मोनी स्टार्ट हो जाएगी अपनी। तो आज भूसा मशीन का लास्ट डे है, तो चलो आज है ना ट्रैक्टर पर मैं जोंडिया कर लिया है, कुछ दे सकता है, लेबलर में जा सकता था। तो अभी घर तो अपन गए कि नहीं, वो निकला है नहीं निकला है इसमें फंसाने का कारण, मतलब इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, नहीं तो लेबर इसमें भी चल जाए। हाँ जी, तो दूसरा दिन हो गया अब चालू, और अपन ने कुबोटा में फंसा लिया है सेडल, और अपना जॉन्डियर जो है वो कर रहा है रोटावेटर। तो ये पहले गड्ढे से स्टार्टिंग हुई है, 4 एकड़ खेत है, तो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है फिर मैं मूंग अपना बोनी स्टार्ट कर दूंगा। तो चलो आज से अपनी बोनी स्टार्ट हो गई, मतलब कल बो दिया था, कल्टीमीटर किया था ना उतना तो रात को बो दिया था। अब फिर अभी क्या है, मतलब भूसा मशीन बंद हो गई है, तो दोनों ट्रैक्टर से साथ में अपन बोनी कर देते हैं। ये चलो यहाँ पे तो मैंने ले आया है, इसका पेटा कराना बाकी है, वो जोंडिया चल रहा है, मधुर चला रहा है उसे। और इस टाइम पे तो क्या है, गेहूँ के बाद ज़्यादा टाइम लगता नहीं है रोटावेटर करने में, क्योंकि मीडियम एक मीडियम दो में आराम से चला जाता है, ऊपर ऊपर ज़मीन इतनी हार्ड नहीं रहती है। ये देखिए ये ऐसा है क्योंकि ये खेत जल गया है, क्योंकि उधर से आग रखी तो इधर तो पूरा ख़त्म हो गया। अब ज़मीन को भी पलटना पड़ता है, तो रोटावेटर तो चलाना ही पड़ेगा, और वैसे सबको ही चलाना चाहिए। तो अपन भी चलो अब स्टार्ट करते हैं, वो बस लास्ट का टक कर ही रहा है, मतलब आखिरी फेरा है, मान लो कि लो उतनी जगह बची है वो कर देगा, तो क्योंकि सेटल में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हाई दो हाई तीन में चल जाएगी सेटल। तो मधुर भाई ने अपना इतना एरिया कंप्लीट कर दिया, देखो यहाँ ये वाली पट्टी से लेकर और वो अपन ने वो एरिया कंप्लीट कर दिया है। जब पीछे देख के बता सकते हो किस तरह, मतलब बोनी हुई है नहीं हुई, अभी तो खैर मैंने बता दिया ये कम्प्लीट हो गया है। बाकी इस वाले गड्ढे में सेटल से इस तरफ का कम्प्लीट हुआ है, ये बाकी रह गया। मूंग की बोनी अगर रोटर बीटर इसके बाद कर रहा हो तो थोड़ी कठिन है, क्योंकि दिखता नहीं है कहाँ से हुआ है कहाँ से नहीं, वो तो थोड़ा थोड़ा क्या समझ में जाता है। देखो इस तरफ ये सेटल के इंसान है और इस तरफ नहीं है, कहीं कहीं के एरिया में समझ में नहीं आता है, तो फिर वो एक्सपीरियंस और अंदाज या तो पक्का भी बोल सकते हैं वो काम करता है। बाकी ये लगा है रोटर बीटर में भाई, इसमें डीजल एंडिंग पे, लेकिन आज दिन भर चलेगा इतने में। तो ये देखो ये 963 है 2000 अपने पास 19 का, और ये है 2022 नहीं 21 का है, 2021 मार्च में दिया था शायद। तो ये 1700 घंटे चल चुका है और वो 1900 घंटे चला है, मतलब वो 5 साल में इतना नहीं चला है, इतना 2 साल में चल गया है।
आराम से ले जाएगा। देखो मतलब सैटरडे 11 की है तो अभी तो 9 की हो गई है, क्योंकि मूंग की है तो 2 पंजे निकल गए हैं, 2 नंबर हाई दो कह रहे हैं, और 1100 के RPM पे आराम से चला जा रहा है। वैसे और तेज़ भगा सकते हैं, लेकिन रोटर वोटर भी अभी देखो इतना फिर आया तो उसके कारण थोड़ा धीरे ही चलना पड़ रहा है। बाकी बॉनी के काम में तो एक नंबर ट्रैक्टर है। ये खेत हो रहा है अपना लेवल, ओपन चलते हैं घर, क्योंकि हल्का काम हो चुका है, हल इतने की रिक्वायरमेंट थी, बाकी इतना एरिया ये रह गया है तो इसमें मिट्टी और ला रहे हैं थोड़ी सी कैसी अच्छी। मुझे लगा कुलदीप भाई बखरने में नया सीख रहा है। हाँ भाई, तो आ गए अपने घर और लेवलर मशीन भी खड़ी कर दी है अपन ने। अब अपन देखते हैं क्या करना है, क्योंकि हाँ जी, तो अपन देखो हो गए हैं बोनी से फ्री, उसके बाद अपन चल रहे हैं अपने भुसा मशीन के पास, क्योंकि भुसा मशीन भी फ्री हो गई थी, लेकिन जो गेहूं अपनी क्या है गीली हो गई थी थोड़ी, तो हार्वेस्टर से कट नहीं पाई थी, हाथ कटाई से अपन ने करे थे उसको। तो उसके बाद थ्रेसर जो है उसको झूला चेंज करो, सबको छन्ना अन्ना चेंज करना था, और फसल मतलब उतनी नहीं थी, एक आध कोड़े की थी, तो अपन क्या कर रहे हैं उसको भुसा मशीन से ही डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं, नीचे का झूला गिरा लेंगे। तो चलते हैं, और उसके बाद अपने जो 963 है उसका आज लास्ट डे है, क्योंकि वो हो गया है सेल, तो उसके बाद जो भी ट्रैक्टर लेंगे अपन फिर वो अब बताऊंगा मैं, लेकिन आज उसका लास्ट डे है। तो चलो अपन चलते हैं अपने 963 के पास, और भुसा मशीन से अपन कैसे गेहूं निकाल रहे हैं वो भी देखते हैं। हाँ जी, तो ये देसी जुगाड़ देखिए, आप गेहूँ निकाल रहे हैं भुसा मशीन से। आज बधाई समारोह है जाकर, आज इसका बधाई समारोह है, अभी पक्का मूंड नहीं है बैठने का। अपन भुसा मशीन से निकाल रहे हैं गेहूँ, क्योंकि ये गेहूँ क्या मतलब पानी हो गया था इसमें, कट नहीं पाई है, तो निकाल रहे हैं इसको आज टाइम चलाए तो, ताकि कुबोटा को धोना है तो कुबोटा के लिए जा रहे हैं घर। गेहूँ तो निकल रही है देखो, यहाँ से अपन डाल रहे हैं फिर ट्राली में सोचा, और ये दूल्हा खोल दिया तो यहाँ पर गेहूँ निकल पटका जा रही है, बिल्कुल देसी जुगाड़। तो देखो कुबोटा से ले आया अपन दूसरी ट्राली, वो फंसा रहे हैं दूसरी, एक ट्राली भर जा चुकी है भुसे की, और गेहूँ निकल रहा है उसमें अभी, तो मतलब इतनी और रह गई है देखो, और इसके बाद पंखे में उड़ा लेंगे तो काफ़ी क्लियर भी हो जाएगा। छोटू भाई का खेत है जी, छोटू भुसा मशीन हो गई रेडी, अब चालू करते हैं। शायद पहली बार ही हो रहा होगा कि भुसा मशीन से गेहूँ निकाल रहे हैं, देसी जुगाड़। क्यों भाई छोटू, जाने के बाद भुसा मशीन अधूरी हो जाएगी जी। तो ये देखो चालू हो गई है अपनी भुसा मशीन, अब यहाँ से जो गेहूँ है वहाँ से उठा के ले जाएंगे अपने वहाँ पे, उसमें
उसमें डालेंगे, उसका पीछे का झूला गिरा दिया ताकि गेहूँ ज़्यादा नीचे गिरते जाए। और उधर ट्राली बना रही है वो पीछे, देखो पास से दिखाता हूँ मैं। चलो काम अपना हो गया है कंप्लीट, गेहूँ पूरी निकल गई है। अब गेहूँ ट्राली में भर रहे हैं, मैं अपन लेके चलते हैं वो भूसा वाली ट्राली घर। छोटू भाई मिलते हैं आपसे अब शाम को घर ही। ये देखो कैरी खा रहा है बेहतरीन फर्स्ट क्लास। शर्म क्यों है यार, तो कैमरा के सामने आने में समझ नहीं आ। देख तो कोवोल्टा अपन ने लगा दिया वहाँ पे, गेहूँ बन ले रहे हैं वो, और अपन चल रहे हैं 963 को घर लेके। मदर भाई पीछे बाइक से आ रहे हैं, भूसा मशीन लेके चल रहे हैं अपन को घर। उल्लू कर आए, ये शायद मतलब लास्ट टाइम ही चला रहे हैं इस ट्रैक्टर को, इसके बाद आज शाम को चला जाएगा। यार दुख तो होता है लेकिन क्या करें हम, मतलब ट्रैक्टर अच्छा है बाकी सब, लेकिन अब अपने साथ उतना नहीं दे पा रहा था, तो आज इसका लास्ट डे है, तो लास्ट राइड ही समझो इसके साथ। फिर आज ले जाएंगे शाम को या फिर कल सुबह, जो भी जैसा भी उनका रहेगा। तो चलो पहुंचते हैं घर, इसकी साफ़ सफाई भी कर देते हैं जाते जाते, मतलब बढ़िया तैयार कर देते हैं उसको। और ये मीना जी